दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास एक से बढ़कर एक दिग्गज बादशाहों के नामों से भरा हुआ है, लेकिन आज हम आपको एक महिला शासक शहजादी रजिया सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रजिया सुल्तान सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला शासक थीं। रजिया का जन्म बदायूं में सन 1205 ईस्वी में हुआ था। पिता शमशुद्दीन इल्तुतमिश को अपनी इस बेटी पे बहुत नाज था और इनकी माँ तो इन पर बेहद प्यार लुटाती थी, लेकिन शमशुद्दीन इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपना उत्तराधिकारी किसी महिला को घोषित कर उसे राजगद्दी पर बैठाया, जो उस वक्त की आवाम को नागवार गुजरा। गद्दी पे बैठने के बाद रजिया ने अपने वालिद का नाम अपने नाम के साथ लगा लिया और वो रजिया से रजिया सुल्तान बन गई। पहली महिला शासक के तौर पर भले ही इतिहास रजिया सुल्तान को फख्र से याद करता हो, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध शुरू हो गया था। हालांकि इल्तुतमिश की मौत के बाद उनके छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बैठाया गया, मगर लापरवाही और विलासिता के चलते और जनता के बगावत करने के कारण सिर्फ 6 महीने तक ही दिल्ली की गद्दी पर रह पाया। 9 नवंबर सन 1236 को रकनुद्दीन और उसकी मां की हत्या कर दी गई। आखिरकार रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठना पड़ा, लेकिन उसे भी विरोध का सामना करना पड़ा। उस वक्त के अमीर दरबारी मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आई कि वो एक महिला की रहनुमाई में काम करें, जबकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। रजिया सुल्तान ने सन 1236 से 1240 तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। वो एक साहसी, कुशल स्वभाव और दूरदर्शी महिला थी। इतने विरोध के बाद उसने सभी सरदारों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया था। रजिया सुल्तान बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दरबार चलाती थी। गौरतलब है कि रजिया सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते ही परंपराओं के खिलाफ जाकर सैनिकों की तरह वेशभूषा और पगड़ी पहनना शुरू कर दिया था। वो युद्ध में बिना नकाब पहने हुए घोड़े पर बैठकर युद्ध में शामिल होती थी। रजिया सुल्तान अपने दरबार में भी अपने चेहरे पे कोई नकाब नहीं रखती थी। रजिया सुल्तान ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। यही वजह है कि आधुनिक इतिहास भी उनकी तारीफें करता है। रजिया सुल्तान ने घुड़साल का प्रधान जमालुद्दीन याकूत को बनाया, जो कि एक हबशी था। वक्त के साथ रजिया का याकूत की तरफ झुकाव बढ़ता गया। ये रजिया सुल्तान की जिंदगी का दूसरा ही पहलू है। याकूत पर रजिया सुल्तान की मेहरबानी बहुत ज़्यादा थी। बाद में रजिया ने याकूत को अपना अंगरक्षक बना लिया। दोस्तों, रजिया सुल्तान की ज़िंदगी का एक और वाक्या है। एक बार आवाम ने याकूत की वफादारी पर उंगली उठाई तो रजिया सुल्तान ने पूरे दरबार के सामने याकूत की वफादारी का सबूत पेश किया। रजिया सुल्तान ने अपना पसंदीदा हीरा सामने रख कर कहा, याकूत, यह हीरा हमें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारा है, तुम इसे तोड़ दो। याकूत ने हथौड़े के एक वार से ही हीरे को चकनाचूर कर दिया। तब रजिया सुल्तान ने याकूत से कहा कि याकूत, तुम्हें मालूम था कि यह हीरा हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा था और इसके लिए हम तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकते हैं। जब भरे दरबार में याकूत ने जो जवाब दिया उसे सुनकर दरबार में लोगों ने दांतों तले उंगलियाँ दबा लीं। याकूत का जवाब था, मलिकाए आलिया, बेशक ये हीरा आपके लिए बेशकीमती था और आप मुझे इस हीरे के लिए सजाए मौत दे सकती हैं, लेकिन इस हीरे से ज़्यादा और अपनी जान से ज़्यादा अहम मुझे आपका हुक्म था। दोस्तों, याकूत की ये वफादारी की मिसाल ढूंढे से नहीं मिलती और जब जब वफादारी का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ याकूत का नाम इज्जत से लिया जाएगा। इधर तुर्क सरदारों ने लोगों को भड़का कर रजिया के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सन 1239 में लाहौर में हुए विद्रोह को रजिया सुल्तान ने दबा दिया, मगर भटिंडा में हुए विद्रोह प्रशासक अल्तुनिया से रजिया सुल्तान की हार हुई और युद्ध में वफादार साथी याकूत भी मारा गया था और रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया था। दरअसल अल्तुनिया रजिया के बचपन का दोस्त था और अंदरूनी तौर पर वो रजिया से मोहब्बत करता था और इसी के चलते उसने याकूत को मरवा दिया था। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली।
रजिया ने राज सिंहासन पाने के लिए अल्तुनिया से शादी कर ली। उसके बाद 13 अक्टूबर 1240 के दिन दिल्ली जाते वक्त हरियाणा के कैथल मार्ग पर रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। इस तरह एक साहसी शहजादी का अफसोसजनक अंत हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।